जातीय जनगणना भारतीय राजनीति का संवेदनशील मुद्दा है। आइए इसे समझने के लिए इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। मौजूदा ओबीसी आरक्षण 1931 की आखिरी जाति जनगणना के आधार पर है। 1931 की जाति जनगणना में पिछड़ी जातियों की संख्या 52% पाई गई थी। भारत में 1990 से जब 27% ओबीसी आरक्षण दिया जाने लगा तो इसी 1931 की जनगणना को आधार बनाया गया था। अब जातियों के नए आंकड़ों के से आरक्षण की कुल 50% सीमा हटाने की मांग उठ सकती है। यहां आपको बताते हैं कि सेंट्रल लिस्ट में मौजूद 2633 ओबीसी जातियों में से कुछ ने ही ओबीसी आरक्षण का फायदा बड़े तौर पर उठाया है। रोहिणी कमीशन के अनुसार सेंट्रल लिस्ट की 983 ओबीसी जातियों की नौकरियों और शिक्षा में हिस्सेदारी न के बराबर है। 97% नौकरियां और शिक्षण संस्थानों में दाखिले का फायदा सिर्फ 25% ओबीसी जातियों को मिल रहा है। नई जातीय जनगणना के से सामाजिक न्याय की लंबी लंबी दलीलें दी जाती हैं, लेकिन इसके कुछ खतरे भी हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इससे समाज में जाति विद्वेष की भावनाएं बढ़ सकती हैं, पिछड़े और अति पिछड़े की राजनीति का नया खेल शुरू हो सकता है और जातियों की नई जनगणना कुछ नई परिस्थितियां भी पैदा कर सकती है। मसलन 1911 की जनगणना में सामने आया था कि ऊंची जातियां सामाजिक अल्पसंख्यक हैं। 2021 में जातीय जनगणना कराने की मांग केंद्र सरकार ने सिरे से नकारी है। सरकार 2011 के सामाजिक आर्थिक सर्वे में जाति के आंकड़े भी जारी नहीं कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर केंद्र सरकार की क्या दिक्कत है, क्योंकि विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने खुलकर जाति जनगणना की मांग रखी थी। बीजेपी की इस अंदरूनी बेचैनी को इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश की। 1931 में एक बार सिर्फ ओबीसी का उस समय जनगणना हुई थी। 80 साल हुए कि ओबीसी का जनसंख्या कितना है इसके बारे में सेंसस नहीं हुआ है। अगर हम इस समय भी सेंसस में ओबीसी का सेंसस नहीं करेंगे तो ओबीसी को सोशल जस्टिस देने के लिए और 10 साल हम उन पर अन्याय करेंगे। 2010 की बीजेपी और 2021 की बीजेपी में क्या फर्क है? यही ना कि तब बीजेपी विपक्ष में थी और आज देश की सरकार चला रही है। कास्ट सिस्टम को आपके कोई सत्ता के कारण कुछ गड़बड़ हुआ ऐसा नहीं मानता हूं, लेकिन वास्तविकता है जात है जो कभी जाति नहीं। और जाति के आधार पर हम जनगणना इसलिए आवश्यकता क्यों है, क्योंकि पिछड़ापन जाति से जुड़ा हुआ है, जाति पिछड़ेपन से जुड़ी। अब 63 साल के आजादी के बाद भी आप उनको न्याय नहीं देना चाहते। जनगणना में ओबीसी का जनगणना में नहीं करना, ओबीसी को जस्टिस सोशल जस्टिस नकारना। तब जो पार्टी जाति जनगणना के समर्थन में इतनी मुखर थी, उसी पार्टी की सरकार न सिर्फ जाति जनगणना कराने से इनकार कर रही है, बल्कि 2011 में जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ और जातियों की नए सिरे से गिनती की गई, उसके आंकड़े भी जारी नहीं कर रही। आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब पाने के लिए कुछ दूसरे सवालों के जवाब तलाशने होंगे। पहला सवाल, क्या ओबीसी जातियों की हिस्सेदारी के बढ़ने या घटने का असर मौजूदा राजनीतिक समीकरणों पर पड़ सकता है? दूसरा सवाल, जिस बीजेपी ने ओबीसी जातियों की राजनीति को नई धार देकर सत्ता के कई जिताऊ फॉर्मूले तैयार किए हैं, उसमें छेद लगने की संभावना है? तीसरा सवाल, जाति जनगणना के बाद जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के नारे के असर को संभाल पाना सरकार को टेढ़ी खीर लग रही है? चौथा सवाल, संसद से सड़क तक और सड़क से कोर्ट तक क्या सरकार के सामने आरक्षण का नया मुद्दा खड़ा हो जाएगा? देखिए, जब ये जब हो जाएगा आपका जातिगत जनगणना, तो इस पर ये राजनीति ही पूरी पलट जाएगी। अब जिसकी जितनी आबादी उसके हिसाब से वो लोग अपना अपना चेहरा मुख्यमंत्री का कैंडिडेट देंगे या फिर जो प्रधानमंत्री का जो भी होगा वो, फिर इस तरह से इस लिहाज से आप देखिएगा कि बहुत उहापोह की स्थिति बनी है। और देखिए, इसमें एक बात और ध्यान देने की है, हमारे जो महापुरुष रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर,
पटेल जी, इन्होंने भी कहा था कि इसको आउटराइट रिजेक्ट किया था कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, कि अगर यदि होगा तो समाज में जो समरसता है वो खत्म हो जाएगा। तो इस पर भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, सिर्फ स्वार्थ के लिए राजनीति करने के लिए यह जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी हम लोग अगर पटेल जी को और अपने महापुरुष अंबेडकर जी को पढ़ेंगे तो ये उन्होंने जब इसको खारिज किया था तो इसमें थोड़ा सा आदमी को नजरअंदाज करना चाहिए हमारी समझ। जातियों के नए आंकड़े जारी ना करने का फैसला सरकार के भीतर से मंथन के बाद आया लगता है। 2016 में जब सामाजिक आर्थिक सर्वे का आंकड़ा तैयार हुआ तब उसमें जातियों के आंकड़ों में गड़बड़ी के आधार पर उसे जारी नहीं करने का फैसला हुआ, लेकिन एक एक्सपर्ट ग्रुप ने इन आंकड़ों को परखा। एक्सपर्ट ग्रुप की रिपोर्ट का क्या हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं है। उधर साल 2018 में केंद्रीय गृह मंत्री की हैसियत से राजनाथ सिंह ने 2021 की जनगणना में जातियों को गिनने का भरोसा दिया, लेकिन अब जब सरकार जातियों का नया आंकड़ा बताने से पीछे हट गई है तो इसमें राजनीति की कोई नई समझ का प्रभाव हो सकता है। हालांकि सरकार के सामने सिर्फ नीतीश जैसे सहयोगियों का दाव ही नहीं है, खुद बीजेपी के भीतर से जाति जनगणना के समर्थन का खुल्लम खुल्ला ऐलान है। इसमें ना एनडीए की बंटने की बात है, ना चाचा भतीजा की एक होने की बात है। बिहार विधानसभा में एक प्रस्ताव काफी पहले यह पारित हुआ था, उस आलोक में ये सारी बातें आ रही है। और यह जनगणना भारत सरकार को करना है, भारत सरकार को निर्णय लेना है, तो भारत सरकार उचित अवसर पर उचित निर्णय लेगी। जहाँ तक मेरी बात आप पूछेंगे तो हम जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। जिस भारत देश में भैंस की गिनती हो सकती है, गाय की गिनती हो सकती है, कितने शेर बचे हैं वो गिनती हो सकती है, कितने बाघ बचे हैं वो गिनती हो सकती है, कितने हाथी बचे हैं वो गिनती हो सकती है, तो जातीय जनगणना क्यों नहीं, उसके साथ साथ गरीबी की भी गिनती होनी चाहिए। और सरकार को उतना ही मेहनत लगेगा, इसमें कोई अतिरिक्त धन नहीं लगेगा। जाति जनगणना की राजनीति बीजेपी के लिए एक दुधारी तलवार की तरह है। अपनों की लामबंदी और विपक्ष के तेवर से जाति जनगणना का तूफान खड़ा हो सकता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ओबीसी पहचान को 2014 से अपनी राजनीति का तुरूप का इक्का बनाया है। उन्हें देर सवेर जाति जनगणना पर अपनी नीति और नियत दोनों खुलकर बताना ही पड़ेगा। पटना से सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो।